हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये क्वेश्चन आंसर सेशन वाला वीडियो है। आज का जो क्वेश्चन मेरे पास है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो सोचते होंगे कि एक अच्छा एम्प्लॉय जो कंपनी में अच्छे से काम कर रहा है वो क्यों कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो आज इसी के बारे में जो है हम लोग डिटेल पे बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे रीजन जिनके कारण जो है एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जो है दूसरी कंपनी या दूसरे करियर की तरफ मूव कर जाता है। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द रीजन गुड एम्प्लॉय लीव देयर करंट कंपनी एंड ज्वाइन अनदर। ठीक है, तो हम लोग आज इस क्वेश्चन के ऊपर जो है रिसर्च करेंगे और जानेंगे ऐसे 5 कारण जिनके कारण जो है एक अच्छा एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने 5 रीजंस मेंशन किए हैं। जो सबसे पहला रीजन जो निकल के आता है जो मुझे लगता है वो ये है, देर इज नो रूम फॉर ग्रोथ। कोई भी पर्सन है, ठीक है, आप अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जाते हैं, आपको वहां काम अच्छा लगता है, आपने जॉब प्रोफाइल देखी है, तभी आप ज्वाइन करते हैं। आप जैसे ही ज्वाइन कर लेते हैं वहां आप अच्छे से काम करते हैं, लेकिन एक समय के बाद आप देखते हैं कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा। आप तो सालों साल निकल जाते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप उसी पर्टिकुलर पोजीशन में पड़े हुए हैं, उस पोजीशन के ऊपर जो है आपको पोजीशन दिया ही नहीं जा रहा है। तो जब ऐसा कुछ रहता है, जब एक अच्छे एम्प्लॉय जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको जब कोई ग्रोथ दिखेगी नहीं, जब कोई ग्रोथ उसको मिलती नहीं है, तब वो जो है डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मुझे इस कंपनी में नहीं, मुझे दूसरी कंपनी में अपना ग्रोथ देखना है, दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तब वो डिसाइड करता है कि उसको दूसरी कंपनी में जाना चाहिए। तो ये तो पहला रीजन था दोस्तों, इस कारण से जो है एक अच्छा एम्प्लॉय जो है कंपनी को छोड़ देता है। सेकंड आता है लैक ऑफ चैलेंजिंग वर्क। अब लैक ऑफ चैलेंजिंग वर्क ऐसा है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि काम तो है, कंपनी के पास काम है, तो काम रहने के बाद भी अगर कंपनी के मैनेजर या कंपनी का जो बॉस है अगर उनके काम को, जो एम्प्लॉय है उसके काम को माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हर छोटी छोटी चीज को जो है आके देखना, हर छोटी छोटी चीज में जो है गलतियां निकालना, क्रिटिसाइज करना। अगर ऐसा किया जाएगा तो जो अंदर से इच्छा होती है ना जॉब करने की किसी भी एम्प्लॉय की, वो अंदर से खत्म हो जाती है। तो ये सबसे पहला चीज है। और दूसरी चीज जो है, जो वर्क है, जो काम दिया गया है वो मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस का क्या मतलब है? मोनोटोनस का मतलब है कि रिपीटेटिव हो जाता है। एक ही काम को जो है आदमी हर दिन, 7ों दिन, मतलब 5ों दिन, 6 दिन, 7 दिन तो नहीं है, लेकिन हर दिन जब भी वो काम करने जाता है तो वही चीज कंटिन्यूसली करता है। तो उसको कुछ चैलेंजिंग मिलता नहीं है कि कुछ नया सीखने को हो, कुछ नया करने को हो। तो जब उसको ऐसा कुछ चैलेंजिंग काम नहीं मिलेगा तो वो डिसाइड कर सकता है कि नहीं, मुझे लगता है दूसरी कंपनी देखनी चाहिए और दूसरी कंपनी में जाने का देखना चाहिए जहां पे मुझे थोड़ा चैलेंजिंग काम मिले और मैं उसको अच्छे से कर पाऊं। इस कारण से भी लोग जो है अच्छे एम्प्लॉय जो है कंपनी छोड़ देते हैं। फिर तीसरा जो निकल के आता है दोस्तों, लैक ऑफ कनेक्शन विद एम्प्लॉयर या लैक ऑफ कनेक्शन विद द कंपनी। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपका, मतलब ये मैं एम्प्लॉयर के साइड से बोल रहा हूँ, कंपनी के साइड से, अगर कंपनी का या एम्प्लॉयर का कनेक्शन जो है ये अपने एम्प्लॉय से जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं अगर उससे अच्छा नहीं है, तब यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन बन जाता है कि जो एम्प्लॉय है वो कंपनी छोड़ के जा सकता है और वो चला भी जाता है। क्योंकि अगर आप को केवल जो है पे चेक काट के दिए जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कनेक्शन नहीं बना है आपका एम्प्लॉय के साथ, आप कभी जो है उससे पूछते नहीं है कि फीडबैक नहीं लिया जाता है, ठीक है, तो बस जो काम दिया गया है जो मोनोटोनस काम है उसी को जो है रात दिन जो एम्प्लॉय है वो करता रहता है। और इसके कारण क्या है, वो एक तो रिपीटेटिव टास्क बन जाता है जैसे मैंने ऊपर बताया, और एक कनेक्शन बन नहीं पाता। और दूसरी बात, कई बार क्या रहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो ऑफिस से गायब रहता है, तो कभी कोई चीज जरूरत पड़ जाती है तो उस चीज में वो एम्प्लॉयर मिलता नहीं। तो ऐसी चीजों में क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और ऐसी जो सिचुएशन आती है वो अधिकतर जो है एसएमई और स्टार्टअप कंपनी में ज्यादा आती है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो अधिकतर टाइम ऑफिस में जो है मिलता नहीं है या फिर कनेक्शन जो है वो बना नहीं पाता है अपने एम्प्लॉय के साथ। बड़ी बड़ी कंपनी में क्या रहता है, ठीक है, आप मेन बॉस से तो नहीं मिल पाते हो लेकिन आपके जो मैनेजर्स वगैरह रहते हैं वो अराउंड होते हैं,
लेकिन फिर भी ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं एक एम्प्लॉय को। और अगर आपका कनेक्शन नहीं बनता है अच्छे से, तो एम्प्लॉय जो है वो लीव करके दूसरे एम्प्लॉयर या दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने का सोच लेता है। फिर अगला है, मैनेजर और बॉस इज नॉट इंस्पायरिंग। अब इसका सीधा सा मतलब है कि अगर जो मैनेजर है, जो आपका बॉस है या डायरेक्टर, जिसको भी आप रिपोर्ट करते हैं, अगर आप उससे इंस्पायर नहीं हो रहे हैं, अगर जो पर्सन वहां ज्वाइन करने गया है अगर उससे इंस्पायर नहीं हो रहा है, तो वो डेफिनेटली वो छोड़ने का सोच सकता है और वो छोड़ देता है। क्योंकि अगर आप जो मैनेजर हैं या जो बॉस हैं, उनको जो है इंस्पायरिंग होना पड़ेगा। मतलब एक तरह से रोल मॉडल होते हैं ये, जब कोई भी इंप्लॉय जो है कंपनी में काम करने जाता है, तो दे आर ए काइंड ऑफ रोल मॉडल, जिसको एक इंप्लॉय देखता है कि यार ये मेरे मैनेजर है, मुझे इनकी तरह काम करना है। अगर वो किसी भी तरह से इंस्पायरिंग नहीं होंगे, तो एक इंप्लॉय जो है वो, एक अच्छा इंप्लॉय जो है वो जॉब छोड़ने का सोच सकता है। फिर जो लास्ट में आता है, जो कि हर एक लोगों को पता है और बहुत सारे लोग जानते भी हैं, वो ये है कि नॉट गुड पे, या फिर जो सफिशिएंट पे है उनको नहीं दी जाती है, जो वो डिजायर करते हैं, जो डिजायरेबल पे है वो एक अच्छे एम्प्लॉय को नहीं मिलती। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपको मल्टीटास्किंग दे दी जाती है, आप मल्टीटास्किंग करते हो, आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जो पे है वो एक पर्सन का ही आपको मिलता है। इसके कारण क्या होता है कि जो एम्प्लॉय के अंदर वो डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, जो एक अच्छा एम्प्लॉय है उसके अंदर, और वो एक डिससेटिस्फेक्शन जो है एक दिन रेजिग्नेशन के तौर पे जो है सामने आता है, और वो रिजाइन करके दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। तो ये कुछ पांच कारण है जो दोस्तों, जिसके कारण एक अच्छा एम्प्लॉय जो कि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट देता है और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, अच्छा काम करता है, वो जो है कंपनी को क्यों छोड़ के चला जाता है, उसके ये कुछ कारण थे दोस्तों। आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर ऐसे ही आप जैसे लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो और भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और आप लोगों के लिए जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करता रहूंगा। और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तब भी बताएं, अच्छा नहीं लगा तब भी बताएं, और मैं अपने वीडियोस को और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।